आइए चलते हैं स्टार प्लस के शो ये रिश्ते हैं प्यार के ऑन लोकेशन पर, जहां पर चल रहा है गणपति सेलिब्रेशन। आइए देखते हैं यहां का सेलिब्रेशन, आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आगे का ट्विस्ट और टर्न। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं कि मीनाक्षी जी हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई हैं, एंड मैं नानू से बात करती रहती हूँ, पता चलता है कि मीनाक्षी जी तो अहमदाबाद बोल के घर से निकली है, बट एक्चुअली वो अहमदाबाद गई नहीं, वो यहीं आई हैं, बिकॉज मैंने उनकी एक झलक देखी और मैं भी सोच में पड़ गई थी वो यहाँ तक कहीं मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आई है, बिकॉज वो हमेशा कहती रहती कि अब भीड़ से दूर रहो, पता नहीं अब क्या ड्रामा होने वाला है। गणपति भी रख रहे हैं आप लोग, काफ़ी सेलिब्रेशन धूमधाम से नाच गा कर लाने वाले हैं, हाँ उसकी कितनी एक्साइटमेंट? हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज हम बॉम्बे, वन ऑफ द रीजंस वो है कि हम बॉम्बे गणपति की स्थापना के लिए आए हैं, बिकॉज अभी हमेशा हर साल मुंबई आके गणपति उत्सव मनाते हैं, बिकॉज उसके उनके पापा भी मनाते थे। सो हम डांस करेंगे प्रॉपर महाराष्ट्रन कॉस्ट्यूम में, नवारी साड़ी पहन के, एंड लेजेंड के साथ डांस होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अपने चलने ही वाला है आपका और मीनाक्षी का, तो कह सकते हैं बहुत बार ट्विस्ट भी, बिकॉज मीनाक्षी खाली आती उसने उन्होंने देखा भी अभी तो हाँ एक्चुअली मैंने वही कहा कि मुझे भी समझ में नहीं है मीनाक्षी जी यहाँ आई क्यों है, लेकिन कुछ सीन्स के बाद समझ में आएगा कि उनका असली मकसद कुछ और ही है यहाँ आने का, वो किसी और को ढूंढने के लिए आई हैं यहाँ पे, और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है बॉम्बे में, जिसमें मिष्टी भी इन्वॉल्व रहेगी उस चीज़ में, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। मतलब मैं मिष्टी और अभी की खुशियाँ ज़्यादा टिकती नहीं है कभी भी, मतलब कहीं पे भी चले जाए वो। हाँ मिष्टी हमेशा यही सोचती है कि वो कितनी ट्राई करती है कि, इनफैक्ट मिष्टी ने एक डेट भी अरेंज की बॉम्बे आने के बाद, अबीर के रूम में बहुत रोमांटिक सा सेटअप बनाया, आई डोंट नो आप लोगों ने कवर किया है नहीं वो, बट पूरा रूम सजाया रोज़ पेटल्स और दियों से, लेकिन वहाँ पे भी जस्मीत चाची आ जाती, तो मुझे लगता है मैं कुछ भी करूँ कुछ ना कुछ पनौती आई हो ही जाती है। So, तो क्या लगता है गणपति बापा सारे विघ्न हरने वाले हैं मिष्टी और अबीर के, हाँ, या फिर वापस मीनाक्षी जी उसमें भी कुछ ना कुछ तमाशा क्रिएट करेंगी? मीनाक्षी जी तो हमेशा तमाशे क्रिएट करेंगी, आई जस्ट होप थोड़ा कम करें, बिकॉज ऑलरेडी मिष्टी की लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है। देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी आप सभी से कि बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को मैं ट्रेस तो कर रही हूँ, पर मैं अभी उसे बोल नहीं सकती, क्योंकि दर्शकों को वो मिस्ट्री थोड़ा हमें देनी है और उनकी उत्सुकता बढ़ानी है, और वो जब देखेंगे तो उन्हें धमाका लगना चाहिए, इसे आई एम वेरी सॉरी मैं बता नहीं पाऊँगी। ये नॉर्मल गणपति आ रही है, मैं बस बम्बई आई हुई हूँ और ये बम्बई है, और पंडाल में आई हूँ क्योंकि बप्पा का आगमन होता है और बम्बई तो बहुत मशहूर है बप्पा के आगमन के लिए और उनकी आगता स्वागता के लिए, तो बम्बई आऊँ और बप्पा के दर्शन ना करूँ ये हो नहीं सकता है, तो दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बप्पा के दर्शन के साथ साथ बच्चों को भी देख लूँ, अबीर और कुणाल को। मिष्टी से मिलने वाली होती है, देखिए कौन है मिष्टी, मिष्टी अग्रवाल जब से मेरी ज़िंदगी में आई है उथल पुथल मची है, तो कृपया भगवान के माहौल में फ़िलहाल उथल पुथल की बातें न की।